सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू और आज है 5 मार्च और हमारी ट्रिप का तीसरा दिन और हम लोग हैं लाटा में। ये जा रही है नदी जो भागीरथी जी हैं। सो भी हम लोगों को जाना है 53 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 52 मिनट, अपन 2.5 घंटे मान के चलो। और रास्ते में शायद कुछ कुंड वगैरह भी मिलेगा, गर्म पानी का कुछ कुंड वगैरह है तो वहाँ पे देखते हैं, नहाने का अगर हो पाता है तो वहाँ पे नहाने का है। और बस फिर पहुँचते हैं हरसिल, हरसिल घूमेंगे आज और आज शाम को या फिर कल हरसिल से निकल जाएंगे। तो ये आ गए हम लोग बाहर, यहाँ खड़ी थी हम लोगों की बाइक और वो है व्यू, वहाँ रहते हैं मेरे महादेव। अमन भाई देखो प्लेट लेके घूम रहे हैं। सर क्या लेंगे यार, जो भी है सब अच्छा है। चलो खाते हैं कुछ। सो भाई ये आ गई हम लोगों की मैगी, ये है पहाड़ों की हमारी पहली मैगी। चलो निपटाते हैं मैगी फिर मिलते हैं। तो निकल गए हम लोग लाटा से, यहाँ से था वही 50 किलोमीटर हरसिल, लगभग 1.5 घंटे लगेंगे अगर स्टॉप नहीं लेते हैं तो। 62 किलोमीटर और चलना है गंगोत्री के लिए और अपन को तो खैर पहले रुकना है हरसिल, तो वो तो और पहले होगा। और ये है नेशनल हाईवे 34, ये पर रोड मस्त है यार, मतलब कार से भी आराम से, कोई भी कार हो तो भाई यहाँ बड़ा ही ठंडक ऐसा लग रहा है शाम हो गई हो। तो अभी हम लोग हैं गंगयान करके कोई जगह है, यहाँ पर ले रही अपनी बाइक यमन भाई और ये अपना पीयूष और ये भी गंगा जी मेन भागीरथी जी। गंगा जी बनती हैं देवप्रयाग से। हाँ तो बस अब जो गर्म कुंड है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर और आगे है, तो पहुँचते हैं भाई गर्म कुंड में और देखते हैं वहाँ नहाने का क्या कैसा सीन है। तो ये है गर्म कुंड गंगनानी उत्तरकाशी। कौन? तो ये है भाई गर्म कुंड। जा रहे हो क्या? पानी जो है ना काफी ज्यादा गर्म है, है? हाँ तो एक बार जब मार चुका है पूरा, बाहर भी आ चुका है। अमन अमन भाई और मैं हम लोग बैठे हैं बाहर और एक्चुअली वहाँ से जो पानी आ रहा ना वो ज़्यादा हॉट है, वो जो ऊपर से आ रहा है। और यहाँ तो ठीक है, बस नहा धो लिया है लोगों ने, मैं तो हाथ मुँह धो लिए, बस फिर निकलते हैं यहाँ से आगे पहुँचते हैं हरसिल। तो यहाँ कुंड में स्नान वगैरह हम लोगों के हो गए हैं अच्छी तरीके से, हम लोगों के क्या इन लोगों के, मैंने तो भाई हाथ मुँह धोए और नाश्ता कर लिया हल्का फुल्का, अब बस निकलना है यहाँ से, अब बस 30 किलोमीटर और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे हरसिल। लेट्स गो। आप घाटियाँ देख सकते हैं, बहुत शानदार लग रहा है यार। तो हरसिल रह गया है यहाँ से केवल 30, ये रहा ब्रिज। अगर आप लद्दाख नहीं जा रहे हैं ना तो यहाँ तक भी आप आइए ना, तो मज़ा आ जाएगा बाइकिंग का। और अगर सर्दियों में आते फिर तो बात ही कुछ और थी यार। और अभी मैं हूँ सबसे पीछे, एक्चुअली मैं फ़ोटो के लिए रुका था तो ये लोग अभी आगे निकल गए हैं। हरसिल 28। तो ये 2 तारीख को जो लैंडस्लाइड हुआ था ना वो ये है, यही फोटो आई थी न्यूज़पेपर में, ये ब्रिज और ये पत्थर। तो पत्थर को साइड से करने में लगभग 2 घंटे शायद ये रोड बंद रहा था। और एक्चुअली क्या है ऐसे एरियो में लैंडस्लाइडिंग नॉर्मल है। तो ये अपन गंगोत्री रेंज जो है वो स्टार्ट हो गई है,
अर्सल रह गया है केवल 8 किलोमीटर, और कुछ ऐसा कुछ खास ठंडक नहीं है क्योंकि धूप निकली है तो इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा। बस जो अपना जनवरी में होती है ना, 15-14 जनवरी के आसपास में ठंड होती है, जो वैसी ठंड लग रही है बस। अब हम लोग चढ़ रहे हैं थोड़ी चढ़ाई, क्योंकि जो हर्सल है वो है ऊंचाई पर। क्या हो गया, चले? तो वो है ऊपर बर्फ के पहाड़ और नीचे आप रोड देख पा रहे हैं। यहाँ से हम लोग आए हैं, काफ़ी ऊँचे आ गया यार। अब देखो किस्मत में रहा तो बर्फ मिलेगी। हर हर महादेव। क्या बोल रहे हैं, वहाँ से जाना है आगे से? तो यहाँ अपन को शायद नीचे जाना है, नीचे शानदार व्यू है। तो बस अपन चलते हैं, पहले यहाँ मैं एक फ़ोटो खींच लूँ, ये अपनी इंस्टा पे काम आएगी। हर्सिल 5 गंगोत्री 30, ये डलेगी अपनी इंस्टा पे। अब चलते हैं नीचे और नीचे से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ काफ़ी ढलान है, हो सकता है कि वीडियो में आपको समझ नहीं आ रहा हो। सो फाइनली पहुँच गए हम लोग हर्सिल वैली, और वो है रोड ऊपर, वहाँ से हम लोग यहाँ से इस रूट से नीचे आए हैं और ऑफ रोड करते हुए आए हैं। ये रही हम लोगों की बाइक, और ये कोई नदी है, आई थिंक अभी पानी वानी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए हैं। गंगोत्री है कोई का है? अच्छा हाँ सॉरी यार, गंगोत्री गंगा मैया, पर यार पानी नहीं है, है ना? अच्छा ये फैल जाएगी ना, जब पानी गिरेगा ना। हाँ ये पूरी फैल जाएगी यहाँ तक पानी आ जाएगा। अच्छा तो चलते हैं उनके दर्शन करने, और हवा बहुत तेज चल रही है, मजा आ गया। तो ऋषिकेश यहाँ से है 241, और हम लोग निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। एक्चुअली यहाँ तक आए हैं तो सोच रहे थोड़ा गंगोत्री भी तक चलें, वाले कपाट जो हैं वो बंद रहेंगे, बट बाहर से सही दर्शन तो हो जाएंगे। ये आ गया भाई हर्सिल जनपद उत्तरकाशी। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ स्पॉट कौन कौन से हैं घूमने के। एक्चुअली ये बंद इसलिए है क्योंकि गंगोत्री का जो रूट है ना वो बंद है, तो ये सब रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह पूरे अच्छी तरीके से नहीं खुले हैं, गिने चुने ही खुले हैं केवल। और ये है लेफ्ट साइड को प्राचीन कल्प केदार मंदिर धराली, इसके बारे में काफ़ी सुना था मैंने भी। और यहाँ से गंगोत्री है 25, एक जगह पड़ती है लंका, और वो है 10 किलोमीटर। तो भाई देखते हैं लंका कौन की है भाई ये। सो हम लोग अभी हैं लंका जगह पड़ती है ना, वहाँ से 6-6.5 किलोमीटर पीछे ये एक व्यू पॉइंट था, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं व्यू के लिए। नीचे जाकर दिखाता हूँ मैं आपको, ये है व्यू पॉइंट। ये बादल है ना, ये देखो आप ऊपर, ये स्नोफॉल हो रही है ऊपर, हैवी है और तो मौसम कहीं कहीं पहाड़ों पे लग रहा है कि बर्फ गिर रही है, बट यहाँ पे सही है, गंगा मैया हमारा साथ दे रही है और बाकायदा धूप निकली है। बट जो पहाड़ है ना ऊपर, पीछे वाले पहाड़ पे बर्फ गिर रही थी, और अभी हम लोगों को वापस आज हर्सिल या फिर कल जहाँ रुके थे वहाँ पहुँचेंगे। वो देखो ऊपर बर्फ का पहाड़, मज़ा आ गया देख के भी यार। और ये हम आ गए हैं लंका, 0.5 किलोमीटर और होगा। रावण की लंका के बाद ये किसकी लंका है भाई। तो ये आ गई भाई गरतांग गली, बट अपन यहाँ अपन जाएंगे बाद में, अभी अपन चलते हैं सीधे गंगोत्री। फोटो लेना वर्जित है वो भाई, लंका ब्रिज।
हल्की हल्की ब्लैक आइस है यार। चलो कोई नहीं, चलते हैं यार आराम से, पहुंच ही जाएंगे। है तो 10 किलोमीटर और रोड अगर सूखा रहा था तो ठीक है, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। 1:23 हो रहा है अभी। प्राचीन भैरव मंदिर, भैरव बाबा कितना है अभी आगे? गंगोत्री 8 है ना बस। हाँ बस वापस आ जाएंगे फिर। हाँ इतना तो चल जाएगा, हरसिल तक ही मिलेगा, हरसिल पे तो मिल जाएगा ना वापस। हाँ बस तो फिर क्या दिक्कत है, 8 है जब, अभी तो 50 किलोमीटर है। हाँ तो 8 किलोमीटर है ना। यहाँ चलो, यहाँ जाना, इधर ही इधर निलोंग है 23, गंगोत्री 8 किलोमीटर। ये आता है रोड निलोंग को, अपन को गंगोत्री जाना है। एक्चुअली यहाँ पे पेट्रोल पम्प नहीं है, यूज़ की बाइक में पेट्रोल थोड़ा कम है। अभी रेंज 80 किलोमीटर दिखा रहा है, वही 3 लीटर के आसपास पेट्रोल हुआ। और पहाड़ों का एक और नियम भाई, हमेशा फुल टैंक करा के रखो, जो भी पेट्रोल पम्प मिले ना वहाँ से हमेशा फुल टैंक कराओ भाई। वेलकम यू टू गंगोत्री धाम। सो फाइनली गंगोत्री धाम जो है वो आ चुके हैं अपन। कितना खाली है, यही 28 अप्रैल के बाद जगह नहीं मिलेगी। गंगोत्री धाम आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। सो भाई ये अपन गंगोत्री शायद आ ही गए हैं, यहाँ कुछ रोड वगैरह काम शायद लगेगा आगे। यहाँ पे पैदल चलने का होता है, हम लोग बाइक से चल रहे हैं। और यहाँ पे मार्केट वगैरह आप देख पा रहे हैं, सारा मार्केट वगैरह जो भी है बंद है, क्योंकि गंगोत्री जी भी बंद है तो मार्केट वैसे भी बंद ही रहेगा। बाकी अप्रैल के बाद तो यहाँ इतनी भीड़ रहनी है ना कि पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। सो ये आप देख पा रहे हैं, ये है भाई गंगोत्री धाम। और इसके आगे बाइक वगैरह अपनी शायद जा नहीं पाएंगी, क्योंकि कार वगैरह आप देख पा रहे हैं ये सब यहीं पर पार्क हैं। तो यहीं पर हम लोग भी पार्क करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कैसा क्या अपन पैदल जा पा रहे हैं या नहीं। सो हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली गंगोत्री। तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, आगे तो बंद है क्योंकि 28 अप्रैल से धाम जो है वो खुलता है टूरिस्ट के लिए। और हैं काफ़ी लोग यहाँ, यहाँ से रास्ता होगा सामने बट अभी बंद है। तो चल रहे हम लोग अभी आगे, और धूप भी शानदार निकली हुई है। सारा जो मार्केट है ना, सारा मार्केट जो है वो बंद है। यही अगर हम लोग अप्रैल के बाद आएंगे ना तो फिर वही केदारनाथ जैसा सीन रहेगा यहाँ भी। बाकी चलो आगे देखते हैं। कितना किलोमीटर है ये? मुझे लगा केदारनाथ जैसा तो नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, मुख्य मंदिर मार्ग। सो ये है भाई गंगा जी, भागीरथी जी, और गौमुख है अभी बंद ना। गौमुख का नज़ारा बहुत शानदार रहता है भाई। तो अब चलते हैं हम लोग मंदिर की ओर, दर्शन करते हैं, देखते हैं कैसे दर्शन हो पा रहे हैं, कहाँ से दर्शन हो पा रहे हैं। भाई यहाँ जाना वो होगा ना मंदिर भाई शायद। सो ये है भागीरथी जी, और मंदिर शायद वो दिख पा रहे हैं ना सामने, वो है मंदिर। तो मंदिर तो अभी बंद है, बाकी व्यू कुछ ऐसे हैं भाई। और ये बर्फ भी है बच्चों की खेलने के लिए। चलो बाकी चलते नीचे तक। सो ये देखो अब व्यू, ये है सामने मंदिर, जय कर लो। सो ये भाई भागीरथी जी का जो पानी है ये अपन ने बोतल में भर लिया है,
कि अभी सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे, दो लोगों की भी डिमांड थी और घर भी ले जाएंगे और दो लोग हम लोग हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा सा पानी दे देंगे। तो पानी बहुत चिल्ड है, अटूट, मतलब कहने की हो रही कि यार बहुत ठंडा पानी है। बाकी ठीक है, और अब यहाँ से निकलते हैं आगे। अब आगे देख रहे घूमने का क्या क्या है यहाँ पर, कहाँ कहाँ जाना होता है, कुछ आइडिया है नहीं यहाँ का एक्चुअली। और ये ले लिए हैं गंगोत्री जी के पत्थर, ये पूजा पाठ करने काम आएंगे। गाइस ये बर्फ है, इसको देखो, क्या गोला खाना पसंद करेंगे आप? और भाई यहाँ भारतीय डाक यहाँ भी है। अब कहाँ चल रहे अपन? यहाँ से जाएंगे हम लोग, यहाँ कुछ पांडव गुफा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। बोलो जरा। हिरण गर्भ काला दीर्घ। हिरण? हाँ। हिरण ने हिरण्य गर्भ। ये है आर्ट गैलरी। भाई गंगोत्री में आके ये नहीं देखा तो क्या देखा है ना? टूरिस्ट रेस्ट हाउस। और अभी सब कुछ बंद मिलेगा हम लोगों को। ये सॉरी स्लिप है ना, मैं जूते गीले नहीं करना भाई। हेलो हेलो। अरे कर ले तो ना, फोन में रुक ना, रुक ना। अरे तो आके बंद कर लेगा ना, वीडियो बना रहा, वीडियो है फोन में, सीधा करो भैया फोन। ऐसे तो मार दो एक बार। तो भाई ये देख पा रहे हैं, ये है ब्लैक आइस, यहाँ चलने में होती दिक्कत। ये देखिए व्यू, एक्चुअली ब्रिज के ऊपर खड़े हम लोग। गौरीकुंड वो नीचे है बट वहाँ ब्लैक आइस ज़्यादा लग रही है, वहाँ हम लोग नहीं जा रहे हैं। सो अब जा रहे हैं हम लोग वापस, और मंदिर के दर्शन तो वैसे भी नहीं हो पाने हैं क्योंकि गंगोत्री जो है वो खुलता है अप्रैल में, अप्रैल एंड में। तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं वापस हरसिल, और हरसिल से जहाँ कल रुके थे क्या जगह थी लाटा, अगर वहाँ पहुँच पाए तो वहाँ पहुँचेंगे, हाँ नहीं तो फिर हरसिल में स्टॉप ले लेंगे और फिर कल निकलेंगे ऋषिकेश। तो बस हाँ, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।